बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के मशहूर अयूब पार्क में और आपको भी दिखाएंगे अयूब पार्क और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी मुख्तलिफ फैसिलिटीज से आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। जब आप अयूब पार्क में दाखिल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक तकरीबन 100 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने बच्चों को कहीं भी घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ जानवर हैं और बच्चे यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अगर मैं आपको इस तरफ भी दिखाऊँ तो बहुत सारे मुख्तलिफ जानवर बच्चे देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, इंजॉय कर रही हैं अपना टाइम। और बहुत सारे मुख्तलिफ झूले भी हैं यहाँ पे, वो भी हम आपको आगे चल के दिखाएँगे। और मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी हैं, जैसे कि शेर, हाथी। और लोग यहाँ क्रिकेट भी खेल रहे हैं और अपना टाइम इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे इस तरफ बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के झूले भी हैं जहाँ आपके बच्चे आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और इनकी टिकट भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब प्राइस में है। मैं यू पार्क से जी इस वक्त मैं 56 का हो गया हूँ, तो मैं जब 16 साल का था तब से आ रहा हूँ। दिन ब दिन इसमें चेंजिंग तो आ रही है और यू पार्क मेरा ख्याल है इस पाकिस्तान का बहुत बड़ा पार्क है और F9 पार्क के बाद ये सबसे बड़ा पार्क है। सर महीने में तकरीबन एक दो दफ़ा ही चक्कर लगता है, एक दो दफ़ा चक्कर लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर कार्स भी चला सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की, और अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये हर बंदे ने तकरीबन चलाई होगी और बहुत मज़ा आता है इसको चला के। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की गेम्स जैसा कि शूटिंग गेम, मोशन राइड और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यू पार्क में। और आगे चल के हम लोगों से भी बात करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे यू पार्क के बारे में कि वो कितना टाइम अपना इंजॉय करते हैं और कब से यू पार्क आ रहे हैं वो। और यहाँ खाना खाने के लिए कैंटीन्स भी मौजूद है जहाँ सफाई का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है और यहाँ से हर किस्म की चीज़ आपको मिलेगी। और ये है यू पार्क का मशहूर भूत बंगला और इसकी टिकट भी काफ़ी मुनासिब है और लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ अंदर जाके। और मेरे ख्याल से बच्चों का यहाँ पे जाना मना है, बड़े ही सिर्फ यहाँ पे जा सकते हैं। और पार्क में एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है जहाँ आके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप जब भी पार्क में आते हैं तो कोशिश करें कि पार्क को साफ़ सुथरा रखें और ज़्यादा गंदगी ना फैलाएँ और जो भी कचरा आप अपने साथ डस्टबिन फेंक के जाएँ। और इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ तो मोशन राइड भी आप ले सकते हैं जिसकी टिकट काफ़ी मुनासिब है और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बचपन से आ रहे हैं, पहले पेरेंट्स के साथ आते थे, अब दोस्त वगैरह सारे मिलके इकट्ठे आ जाते हैं कभी टाइम मिले तो। एनवायरनमेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है क्योंकि बचपन से आते हैं तो जगह जगह से वाकिफ़ हैं। प्लेसेस भी अच्छी हैं, बैठने की अच्छी जगह है, खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा है। बट यह है कि ये जो हॉर्स राइडिंग है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोशन रेड के साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कैफ़े भी मौजूद हैं जहाँ से आपको हर किस्म की चीज़ मिल सकती है और टॉयलेट्स भी काफ़ी साफ़ हैं यहाँ के और सफाई का बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया गया है। अयूब पार्क में तमीराती काम भी जारी है और आने वाले वक्तों में ये मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये आप अपने सामने देख सकते हैं अयूब पार्क म्यूज़ियम जहाँ पे अंदर बहुत सारी किस्म की आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी और बुज़ुर्ग, बच्चे, बड़े सब यहाँ पर आते हैं। और लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पर आके। और अगर आप बुज़ुर्ग हैं और पैदल नहीं चल सकते तो इस तरह की बसेस देखने को मिल जाएंगी आपको जो आपको गेट से अयूब पार्क के अंदर मेन डोर तक लेकर आती हैं और प्राइस भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है और टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होने से बच जाता है। बहुत ज़बरदस्त है जी, बच्चे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है उनको। अभी नए चीज़ें, झूले वगैरह, जो जानवर है वो भी लाए। खाने के मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स जैसे कि यहाँ पर ये भी फ्रेश कोकोनट बेच रहे हैं और उसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और फैमिलीज आ रही हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और इंजॉय कर रही हैं अपने कीमती वक्त को। और अगर मैं आपको इस समय दिखाता चलूं
तो आप देख सकते हैं कि अयूब पार्क में तामीराती काम भी जारी है और आने वाले वक्तों में आप देख सकेंगे कि अयूब पार्क और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे यहाँ पर आके। सिगरेट पीना पार्क में सख्ती से मना है और आप भी जब आएँ कोशिश करें सिगरेट वगैरह ना पिए। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जैसे कि बोट राइडिंग भी आप कर सकते हैं। अयूब पार्क में तो हम 2005 से इधर आ रहे हैं, बहुत अच्छा हर चीज़ चेंज हो गया, हर चीज़ नया हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया काम, अभी बिल्कुल सेट है, फैमिली के बच्चों बच्चों के सब कुछ अभी निज़ाम सेट है। इस तरह की बोट्स भी आप राइड कर सकते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भाई बोट राइड कर रहे हैं और पानी एक बार आप देखें माशाल्लाह से कितना साफ है और ग्रीनरी देखें आप अयूब पार्क में एक बार। बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग सब यहाँ पर आके अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भाई ने अपनी बोट पार कर दी है। अयूब पार्क में आपको ओपन जिम भी देखने को मिल जाती है जहाँ लोग आके वर्जिश करते हैं और अपना कीमती टाइम अच्छे काम में स्पेंड करते हैं और सेहतमंद रहते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि बच्चों के खेलने की बहुत अच्छी जगह है और आगे चल के अगर मैं आपको दिखाऊं तो हेलीकॉप्टर भी वहां पे खड़ा हुआ है जो कि काफ़ी पुराना है और हम बचपन से जब यहां पर आ रहे हैं तो इसे देख रहे हैं। अयूब पार्क यहाँ पे जो मतलब घूमने फिरने के लिए और यहाँ पे फैमिली वाइज मतलब बहुत अच्छी जगह है, ज़्यादा मतलब यहाँ पे आपको पता है फैमिली वगैरह ही आती हैं तो अच्छा है यहाँ पे, मतलब यहाँ का सेटअप घूमना वगैरह यहाँ पे मतलब इजी रहता है बंदा, बहुत अच्छा माहौल है बेटा, फैमिली पूरी पूरी फैमिली आती है यहाँ, खाना पकाना भी करती हैं, यहीं पर बनाती हैं, यहीं खाती भी हैं। और ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं और इस तरफ और भी मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्ट्री देखने को आपको मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अयूब पार्क में पार्किंग का निज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप लाजमी अयूब पार्क विज़िट करें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।